Viewers, I am Mahesh Kumar. Welcome you all in today's session of learning. In today's session, we will solve question number 7, question number 8, and question number 9 of exercise 5.2, chapter 5, arithmetic progression. Solve karenge question number 7. Question number 7 is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Let A be the first term and common difference is D. What is given? Given is 11th term is 38. A11 equal to 38. What is A11? Can be written as A plus n minus 1, 11 minus 1 into D equal to 38. Now this is A plus 10D, this is equal to 38. Demanding a first. Now what is A16 is given as 73. Now A16 can be written as A plus 16 minus 1 into D equal to 73, or A plus 15D equal to 73. Now this is second. अब ये दो equations हैं हमारे पास, A plus 10D equal to 38, A plus 15D equal to 73. तो हम करेंगे इनको subtract. तो पहले हम लिखते हैं, now second minus first. तो पहले हम second लिखेंगे. A plus 15D equal to 73, first A plus 10D equal to 38. Now subtract करेंगे second minus first, तो subtract करेंगे sign change हो जाएंगे, 15 minus 10, 5D equal to 13 minus 8, 35. तो D is 35/5, D equal to 7. अब D मिल गया हमें, हमें बताना है A निकालना है अभी हमें, तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं. Substitute, put D equal to 7 in first. What is first? It is A plus 10D. A plus 10 D की value 7 equal to 38. A equal to 38 minus 70. This is equal to minus 32. हमारे पास A है minus 32, D है हमारे पास 7. तो हम हमें पूछा क्या गया है, हमने बतानी है find the 31st term. Now 31st term mean A31, क्या होगी वो, A plus 31 minus 1 into D. Now A is minus 32 plus 31 minus 1, 30 into D, D is 7. This is minus 32 plus 210. This is equal to 178. तो हमारा क्वेश्चन था, हमें दो टर्म दी थी A11 एंड A16. तो हमें बताना था 31st टर्म. तो जा गई हमारी 31st टर्म. This is the answer. Number 8. It is an AP consists of 50 terms. तो 50 terms हैं, of which third term is 12 and the last term is 106. तो last कौन सी हो गई, last हो गई हमारी A50 और third term दी हमें 12 और A50, क्योंकि हमें बताया है last term, तो last term होगी हमारी 50, A50. Same, let A be the first term and D is the common difference.
नो व्हाट इज गिवन गिवन व्हाट इज गिवन ए थ्री इक्वल टू 12 नो व्हाट इज ए ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12 ए प्लस 2d इक्वल टू 12 जो होगी हमारी फर्स्ट नो एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स एंड द लास्ट टर्म 50 टर्म मीन 50 विल बी द लास्ट टर्म देन ए 50 इज गिवन एज 106 नो इट इज ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106 ए प्लस 49d इक्वल टू 106 ये हो गया हमारे पास सेकंड नो सेकंड माइनस फर्स्ट नो सेकंड माइनस फर्स्ट तो पहले सेकंड लिखेंगे a प्लस 49d इक्वल टू 106 ये आगे सेकंड और सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट a प्लस 2d इक्वल टू 12 माइनस 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 तो ये आ गया हमारे पास 2d इक्वल टू 47d इक्वल टू 94 तो d आ गया हमारे पास 94 डिवाइड बाई 47 दिस इज इक्वल टू 2 नो पुट d इक्वल टू 2 इन फर्स्ट फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 2 d की वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू 12 नो a इक्वल टू 12 माइनस 2 टू जा 4 a इज 8 एंड d इज 2 नो वी हैव टू फाइंड a 29 नो a 29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी नो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी वट इज ए ए प्लस 29 माइनस 1 28 एंड डी इज 2 88 प्लस 56 इट इज 64 नो ए 29 इक्वल टू 64 दिस इज द आंसर तो जहां हमें दिया था थर्ड टर्म बताई थी और पूछा था कि लास्ट टर्म है हमारी 106 तो 106 हमारी लास्ट टर्म थी तो ऊपर पूछा था कि एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स इट मींस 50 इज द लास्ट टर्म ए 50 एंड द लास्ट टर्म वाज गिवन एज 106 व्हेन वी हैव टू फाइंड क्या बताना था हमें बताना है कि व्हाट विल बी द तो फाइंड द 29th टर्म 29th टर्म हमारा आंसर आया 64 लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस नो व्हाट इज गिवन हमें बताया थर्ड टर्म 4 है 9th टर्म माइनस 8 है एंड पूछा है विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0 इट मींस ए एन इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है तो हम शुरू करेंगे थर्ड टर्म से a3 इक्वल टू 4 नो इट कैन बी रिटन एज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 4 दिस इज फर्स्ट नो a9 इक्वल टू माइनस 8 नो a9 इज a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 8 एंड रिटन एज ए प्लस 9 माइनस 1 8d इक्वल टू माइनस 8 दिस इज सेकेंड नो सेकेंड माइनस फर्स्ट नो सेकेंड इज ए प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8 ए प्लस 2d इक्वल टू 4 दिस इज माइनस 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 6d इक्वल टू माइनस 12 नो d इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6 दिस इज
माइनस टू. नाउ पुट डी इक्वल टू माइनस टू इन फर्स्ट. फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए प्लस टू इंटू माइनस टू इक्वल टू फोर. ए प्लस टू टू जा फोर, माइनस फोर इक्वल टू फोर. ए इक्वल टू फोर प्लस फोर एट. नो ए इज इक्वल टू एट एंड डी इक्वल टू माइनस टू. तो हमें क्या गिवन है, हमें बताना है बिच टर्म ए एन इक्वल टू जीरो. इट मीन्स ए एन क्या होगी, वो जीरो बतानी है हमने. तो हम ए एन को एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो. ए की वैल्यू हमारे पास आ एट प्लस एन माइनस वन, एन हमने बताना है. डी क्या हमारे पास, माइनस टू इक्वल टू जीरो. नो एन माइनस वन ये एट उधर चला जाएगा, जो हो जाएगा हमारे पास माइनस एट. और ये जो माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आगे उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा इसको फोर. एन माइनस वन इक्वल टू फोर. नो एन इक्वल टू फोर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू फाइव. ये हमारा आंसर है. तो हमें बताना था वह कौन सी टर्म है. तो nth टर्म कौन सी आई, फाइव. फिफ्थ टर्म, फिफ्थ ए फाइव इज द टर्म विच हैज वैल्यू जीरो. फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज जीरो.